सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमें दोबारा सीखने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइव 3D के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस के सारे बाइक के एंड कार का चीट कोड बताने वाला हूँ गाइस। तो चलो सबसे पहले चलते हैं अपने शोरूम के पास और वहीं पास मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको न्यू चीट कोड। चलो चलते हैं गाइस, तो लेट्स गो। तो हम लोग सबसे पहले मंगा लेते हैं फरारी और उसमें हम लोग चलते हैं बैठ के। तो गाइस, और ऐसे ही न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग शोरूम के पास। हम लोग चल रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छा स्पीड है हम लोग का, देख सकते हो। वाव, तो काफ़ी हद तक इसका ग्राफिक इम्प्रूव हो चुका है इस अपडेट के बाद। और मैं बताऊँगा गाइस कि इस वीडियो में आपको RGB टूल का कैसे यूज़ करना है और क्या क्या होने वाला है। एंड हम लोग शोरूम पहुँचने वाले हैं, जस्ट सेकेंड बचा है। एंड शोरूम पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि हम लोग के पास कितना सारी कार है और सारे कार का मैं चीट कोड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं गाइस। ऑल न्यू चीट कार का चीट कोड मैं बताने वाला हूं गाइस। तो चलो चलते हैं, और हम लोग अपने शोरूम पहुंच चुके हैं। एंड शोरूम पहुंचने के बाद मैं आपको यहीं पर सारा चीट कोड बताने वाला हूं गाइस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। इन सारे कार का मैं आपको चीट कोड बताने वाला हूं गाइस, देख सकते हो। एंड देख सकते हो क्या लैम्बोर्गिनी है अपने पास, फरारी है, थार है, एंड सारे अदर कार है हम लोग के पास। ऑल न्यू कार है गाइस, उन सारे मैं कार का चीट कोड बताने वाला हूँ। देख सकते हो इधर एक लाइन से मैं यहाँ पर कलेक्ट कर दिया हूँ कलेक्शन, एंड सेकंड लाइन भी कलेक्ट करने वाला हूँ गाइस। सेकंड लाइन भी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, तो सेकंड लाइन अपग्रेड करते हैं। रेडी स्टेडी एंड गो, हम लोग का सेकंड लाइन भी जल्दी से अपग्रेड हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पास। तो हम इसका भी मैं चीट कोड बताने वाला हूँ गाइस, जो वीडियो पर बने रहे एंड तक जरूर देखना। और मैं इसका भी चीट कोड बताने वाला हूँ। एक लाइन का मैं और कार खड़ा करने वाला हूँ यहाँ पास, उसको भी जल्दी से यहाँ पास वन, यहाँ पास एक लाइन का और कार खड़ा होना। और ये तीसरा लाइन भी खड़ा कर दिया मैंने, सारे कार को स्पॉन कर दिया एक साथ। और मैं आपको एक एक करके सारे कार का चीट कोड बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पर बने रहे। तो मैं चलो बताना स्टार्ट करता हूँ आप लोग को कि सारे कार का चीट कोड। तो सबसे पहला चीट कोड है गाइस अपना, यहाँ पास एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का भी चीट कोड मैं बताने वाला हूँ गाइस इस वीडियो के अंदर। देख सकते हैं हम लोग के पास यहाँ पास एरोप्लेन है एंड हेलीकॉप्टर है, इन सब का मैं चीट कोड बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हो गाइस क्या मस्त है, इसका कलर भी कैसे चेंज करना है ये भी मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पास हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पास, देख सकते हो। और हम लोग देख सकते हो इसको चला भी सकते हैं अच्छे से, और शोरूम भी हम लोग के सामने में। और मैं आपको अब बताने वाला हूँ गाइस कि हम लोग को कौन कौन सा चीट कोड होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट कार से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर से जो फर्स्ट कार स्पॉन किया था यहाँ पर से। तो हम लोग पर सबसे पहला था कैनिज, इसका है 900, इसका चीट कोड था गाइस, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई सकता हूँ। यहाँ पर है लैम्बोर्गिनी 3333, यानी 4 और 3 डायल करने से आपकी लैम्बोर्गिनी आ जाते हैं। एंड लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 है जिसका 700 है चीट कोड, आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई सकता हूँ, देख सकते हो गाइस आप लोग। एंड हम लोग का आ जाता है थार, तो थार का चीट कोड है 9090, जो काफ़ी बढ़िया गाइस, आप लोग जरूर ट्राई करना ये थार भी स्पॉन करके चला के देखना। और हम लोग चलते हैं अब इधर का मैं चीट कोड बताने वाला हूँ गाइस। तो इधर का भी चीट कोड मैं बता दूं, इधर सबसे पहले हमारे पास कौन सी कार है, सुप्रा के 2244 है चीट कोड गाइस, इसे भी आप लोग स्पॉन करके चला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कार है। इधर फरारी है 8811, ये भी आप लोग स्पॉन करके देख सकते हो गाइस, काफ़ी बढ़िया कार है। एंड यहाँ पास आ जाता है इवेंडोर्स 2020, इसका चीट कोड है गाइस। तो आप वीडियो पर अच्छी लगे लाइक करना। एंड यहाँ पास एक और है लेजेंड्री 1001, इसका चीट कोड है गाइस। अब हम लोग फिर से वहाँ पास चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पास, और इसके यहाँ पास से मैं चीट कोड बताने स्टार्ट करता हूँ। इसका चीट कोड होने वाला है हम लोग का, ये कौन सी कार है, मेरे को हिसाब से लगता है ये है पोर्सा का कार है, 4000 है इसका चीट कोड, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। एंड यहाँ पास आ जाते हैं टारजन का है 300, एंड स्कॉर्पियो आ जाता है गाइस, स्कॉर्पियो का है 333, इसका चीट कोड है। एंड स्कॉर्पियो S11 का चीट कोड होने वाला है 444, ये इसका चीट कोड होने। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में एक और चीट कोड है अभी इसका, अभी बाकी चीट कार का चीट कोड बताया बताने के लिए, जो यहाँ पर है फॉर्चुनर कार का 1000, इसका चीट कोड है 111000, फॉर्चुनर का चीट कोड है। उसके बाद आता है रोल्स रॉय, इसका चीट कोड होने वाला है हमारे पास रोल्स रॉय का 2000 है गाइस, 2000, इसका चीट कोड है। और यहाँ पास बता दूँ यहाँ पास है रेंज रोवर, ये रेंज रोवर का भी 666, यानी इसमें 4 बार 66 डायल करने से आपके रेंज रोवर निकल के आ जाते हैं गाइस।
और मैं बता दूँ यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी हम लोग चला सकते हैं इधर, इसका चीट कोड भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। हेलीकॉप्टर को देख सकते हो गाइस, हम लोग कितने सारे कार स्पॉन कर चुके हैं आप लोग नीचे देख सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। हम लोग का शोरूम जो भरा भरा दिखाई दे रहा है। एंड इसको देखो कि एरोप्लेन भी आप लोग हेलीकॉप्टर को भी आसानी से उड़ा सकते हो, देख सकते हो गाइस, वाह क्या मस्त दिखाई दे रहा है। एंड इसे भी उड़ा सकते हो एंड देख सकते हो हम लोग का सब कार स्पॉन किए हैं, वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है गाइस। और इस वीडियो में देख सकते हो हम लोग हेलीकॉप्टर चीट कोड है जो है 800 चीट कोड है इसका, और इसका अभी हम लोग इसे स्पॉन करके आपको दिखा सकता हूँ गाइस। देख सकते हो 8000 में हम लोग का हेलीकॉप्टर निकल के आ जाता है गाइस। तो मैं एक आपको मैजिक दिखाना चाहता हूँ, एक मिथ है जो है, एक ग्लिच है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको बुलेट वो स्पॉन कर लेना है और बुलेट को आपको हेलीकॉप्टर के पास लेके आ जाना है, और पास लेके आओगे तो आपको चलाने का ऑप्शन में आपको हेलीकॉप्टर एंड बुलेट दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा, वहीं पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद आप लोग बुलेट में बैठ जाओगे, बैठ जाने के बाद देखना गाइस आप बुलेट को चलाओगे तो आपका हेलीकॉप्टर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस हम लोग का हेलीकॉप्टर चलना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग बुलेट को भी चला रहे हैं साथ में। तो कैसा लगा ये ग्लिच आपको ज़रूर बताना, और ग्लिच अभी स्टार्ट हुआ है गाइस देखना, और इससे अच्छा होने वाला है अगर हम लोग इसे हम लोग बाइक से उतर जाए और हम लोग पैदल ही चलें तो वो भी हम लोग का हेलीकॉप्टर जो है उड़ने वाला है। तो देख सकते हैं गाइस मैं रुकने वाला हूँ और रुक के देखते हैं हम लोग का हेलीकॉप्टर हम अभी कहाँ पास है। तो मेरे हिसाब से तो उधर ग्राउंड के बाहर ही चला गया होगा, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो गाइस हेलीकॉप्टर जो काफ़ी दूर में है और हम लोग उसके पास जा रहे हैं धीरे धीरे, और हम वो चलते ही जा रहे हैं और उसका हम लोग कंट्रोल भी हम लोग के पास है अभी भी। एंड देख सकते हो वो तो चलते ही जा रहा है भाई, और देखो गाइस और वो हम लोग धीरे धीरे हम लोग नीचे बुलाएंगे तो नीचे भी आ जाएगा, और हम उसमें बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं। तो हम लोग इस बार बैठ के देखते हैं, अगर हम उसमें बैठे हैं तो एक बार फिर से ऑफ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा चालू करने के लिए हमें दोबारा बैठना पड़ेगा। देखो गाइस अगर क्या मस्त कंट्रोल हो रहा है भाई, वाह ये तो अपने साथ साथ में पेट टाइप बना के ले जा सकते हैं हम लोग इसे कहीं भी, देख सकते हो गाइस। अगर हम लोग इसमें बैठने की कोशिश करें तो ये ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग इसमें बैठ देने की कोशिश करते हैं गाइस। तो चलो चलते हैं धीरे से उसके पास और हम लोग इसमें बैठने का प्रयास करते हैं। एंड देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा उड़ रहा है, हम लोग से काफ़ी अच्छा हैंडल भी हो पा रहा है, ये ग्लिच तो कंफर्म है, और इसे भी आप लोग ट्राई करना जो काफ़ी बढ़िया लगेगा गाइस। तो हम लोग उसके पास जाते हैं और हम लोग उसमें बैठ के देखते हैं कि कैसा रहा होने वाला है। वो भाई ये तो काफ़ी बढ़िया उड़ रहा है, वो हम लोग के पास आ ही गया है, और हम लोग इसमें चढ़ के बैठ के देखते हैं कि हम लोग बैठ पाते हैं कि नहीं। हम लोग बैठने का प्रयास करते हैं, इधर से बैठते हैं जल्दी से, और देखो गाइस हम लोग बैठने का कोशिश किए और ये ऑफ हो चुका है, और ये ऑफ हो चुका है गाइस। हम लोग सिर्फ इसमें बैठने का कोशिश किए, तो हम लोग को फिर से ऑन करके हम लोग अपने शोरूम में आ चुके हैं गाइस, हम देख सकते हो, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो ही है। तो आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।